मामले में रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अमलेश्वर से इन आरोपियों को धर दबोचा है। 27 नवंबर को व्यापारी विवेक गुप्ता का अपहरण हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरोपियों ने फिरौती की मांग की थी। आरोपियों ने विवेक गुप्ता के साथ मारपीट भी की है। आरोपियों के खिलाफ गोला बाजार थाने में मुकदमे को दर्ज कराया गया था। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, तो पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों ने फिरौती की मांग की हुई थी। व्यापारी के अपहरण के मामले में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। लगातार राजधानी रायपुर की पुलिस की लंबे वक्त से किरकिरी हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से क्राइम का ग्राफ राजधानी रायपुर में बढ़ रहा था, उसको लेकर लगातार पुलिस से भी सवाल जवाब किया जा रहा था। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी सख्त लहजे में कह दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, कुछ कीजिए। हेमंत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। हेमंत, बड़ी कामयाबी है, थोड़ी बहुत यहाँ पे पुलिस अपनी किरकिरी से बच गई? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो पूरी किडनैपिंग की वारदात है वो 27 नवंबर की देर रात की है, और पुलिस को लगभग 1:30 बजे ये सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति को जो 5 से 6 आरोपी हैं वो कार में बैठाकर दुर्ग अमलेश्वर की तरफ ले जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में चौकन्नी हुई और एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर जांच के लिए वहां पर जाया गया, और उसके कुछ देर बाद प्रार्थी को सकुशल बरामद कर लिया गया। हालांकि आरोपी वहां से भाग चुके थे, फरार हो चुके थे, और अगले दिन यानी आज आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो 5 आरोपी हैं वो अमलेश्वर के रहने वाले हैं। खुद इसमें एसएसपी जो अजय आते हैं वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे मामले की, और इसमें जो आरोपियों द्वारा फिरौती मांगी गई थी लगभग 50,000 रुपए के, लेकिन ये जो पूरा विवाद था आरोपियों और प्रार्थी के बीच, हाँ, वो एक पार्किंग को लेकर था। पार्किंग में कार खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ, और विवाद के बाद मारपीट तक नौबत आई थी, और उसी विवाद के आड़ में लेकर जो आरोपी हैं वो प्रार्थी को अपहरण कर ले जा रहे थे। तो ये पूरी घटना है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया हेमंत, तमाम जानकारी के लिए आपका।